ए, कैसा है तू? क्या हुआ अचानक? तू महानता के प्रोजेक्ट को रोक सकता है क्या? ये प्रोजेक्ट इस इलाके को बर्बाद कर देगा आदिल। देख यार कबीर, जिन लोगों की समझ से तू ये बात कर रहा है ना, वो तू रोक सकता है कि नहीं? नहीं। तो फिर तू नंदीघाट छोड़ दे, भोपाल चला जा। भोपाल चला जाओ? क्यों? मैं नहीं चाहता कि तुझे कुछ हो जाए। मुझे क्या हो जाएगा? मुझे तू समझ नहीं रहा है दिल, बहुत गुस्सा है इन लोगों में तेरे एक्शन को लेकर। वो तो होना ही है, राजन जो है हमारे कब्जे में। लेकिन तू मेरी फिक्र मत कर यार, अब मिलकर ये मिशन खत्म करेंगे हम। तूने जिस मकसद से मिशन उठाया था वो पूरा होने वाला है। ये देख, ये चिप है, अब जहां भी तू रहेगा हमें पता रहेगा, और उन लोगों को तुझ पर पूरा भरोसा भी है, चेक भी नहीं करेंगे। तू कल पास गोविंद और जोई के पास रहना, बस वही दोनों बचे हैं कबीर। वो खत्म तो खेल खत्म। हाँ, और एक और बात, कल पुलिस पोस्ट से कुछ नक्सलियों ने जूही को छुड़ा लिया और माधव को पकड़ लिया। जरा पता कर यार, कहाँ रखा है उसको? तू जानता है माधव राव ने क्या किया? हाँ, कल जूही को अरेस्ट किया था और क्या? उसने दो बच्चों और एक औरत को गोली मारी, पूरे गांव को जला डालने की धमकी दी। निर्दोष लोगों को बचाने के लिए जूही ने सरेंडर किया, फिर उसको पुलिस चौकी ले जाकर उसको टॉर्चर किया और उसका रेप किया। तो इतने भरोसे से बात कैसे कह सकता है? क्योंकि मैं वहां था। तू वहां कहां था? तू तो निकल गया था ना वहां से। तूने सब कुछ किया, तूने पुलिस पोस्ट पर हमला किया कबीर। हाँ, मैंने ही जूही को आजादी दी, मैंने ही तेरे पांच लोगों को मारा और मैंने ही तेरी पुलिस चौकी को बम से उड़ाया। माधव राम मेरे कब्जे में है। What the hell are you talking about, कबीर? इसका अंजाम जानता है? क्यों किया तूने ये सब? अरे पागल हो गया क्या? अभी रिलीज कर माधव राव को। अगर उसने ज्यादती की है कानून सजा देगा उसे। उस पर हमारी जनताना अदालत में मुकदमा चलेगा। तुम्हारी जनताना अदालत? वाह कबीर, तो तू भी बंदूक के आतंक की जबान बोलने लगा है। बंदूक का आतंक तो कुछ नहीं आदिल, गरीब को गरीब रखना, उसकी जमीन को लूट लेना, उसके सारे अधिकारों को छीन लेना, असली आतंक तो ये है, और ये तुम्हारी सरकार कर रही है। और अब हर गरीब आदिवासी के खून में एक नया क्रोध उबल रहा है, और वो क्रोध बंदूक की नली से ही निकलेगा। बकवास बंद कर कबीर, बंदूक की नली से कभी कोई सलूशन नहीं मिलता। और जिन लोगों की वकालत तू कर रहा है ना, उनका रास्ता गलत है, ये तू भी अच्छी तरह जानता है। सत्ता हथियाने के लिए गरीब और बेबस आदिवासियों का इस्तेमाल कर रहे हैं माओवादी, ब्लैकमेल कर रहे हैं हमारे देश को। तू ही कहता था ना, अगर सिस्टम काम ना करे तो उसे ठीक करना चाहिए, उसे तोड़कर किसी का फायदा नहीं। देख कबीर, आखिरी बार एक दोस्त के नाते कह रहा हूं, छोड़ दे माधव राव को। ये बात अब हमारी दोस्ती के परे हो चुकी है आदिल। तो फिर ठीक है, मैं मिशन खत्म कर रहा हूं, तू चल यहां से, तेरा काम हो चुका। नहीं, मेरा मिशन तो अब शुरू हुआ है, मैं पूरी तरह इन लोगों के साथ हूं। आज के बाद अगर किसी ने भी किसी गरीब आदिवासी को छुआ तो मैं उसका वही हाल करूंगा जो माधव राव का किया है, चाहे वो जो भी हो। आखिर तूने अपनी औकात तो दिखाई दी, सांप को दूध पिलाते वक्त पहचाना नहीं मैंने कि एक दिन मुझे ही आके डसेगा। लेकिन एक बात का ख्याल रहे,
तू नमक हरामी मेरे साथ ही नहीं कर रहा, अपने देश के साथ भी गद्दारी कर रहा है, और देशद्रोह की सजा तू अच्छी तरह जानता है। आज के बाद ये दोस्ती खत्म। मौका तो तू दिखा रहा है, आखिर में पुलिस वाला ही निकला ना। कबीर कबीर मत करिए, इसका अंत बहुत भयानक होगा। सही बोल रहा है तू, अगली बार जब हम मिलेंगे हम दोनों में से एक ही वापस लौटेगा। इंसान का कर्तव्य होता है कोशिश कर। लास्ट ट्राई और कर। कोशिश करूंगी। Everything is possible. Okay?